गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी घर में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। किड्स, प्रीवियस क्लासेस में हम सब ने रेनी सीजन के बारे में बात की थी और जाना था कि हमें रेनी सीजन में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे अम्ब्रेला, गम्बूट, रेनकोट। इसी तरह से आज की क्लास में भी हम रेनी सीजन के बारे में ही बातचीत करने वाले हैं और हम सब जानेंगे कि रेनी सीजन में कौन कौन से इंसेक्ट्स बाहर निकलते हैं। साथ ही साथ हम सब इस विषय में भी चर्चा करेंगे कि हमें रेनी सीजन में किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर रेनी सीजन के बारे में बातचीत करते हैं। किड्स, ये देखिए, ये है मॉस्किटोज। क्या है ये? मॉस्किटो। आप सब ने भी मॉस्किटोज देखे होंगे अपने हाउस में। यस, ये मॉस्किटोज रेनी के सीज़न में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें इनसे बचना चाहिए और अपने घर में मॉस्किटो भगाने के लिए कुछ ऑल आउट या कोई कॉइल लगा सकते हैं, या फिर हम अपनी बॉडी पे ओडोमॉस क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं अब। ये है अर्थवॉर्म। क्या है ये? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म रेनी सीजन में ही बाहर निकलते हैं, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है और मिट्टी में जब बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है तो अर्थ में से ये छोटे छोटे से कीड़े निकलते हैं और इनको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे अब। नेक्स्ट पिक्चर है स्नेल की। क्या है ये? स्नेल। स्नेल जो है ये भी रेनी सीजन में ही निकलते हैं और ये लीव्स को खाते हैं। इसी तरह से एक और इंसेक्ट है जो रेनी सीजन में आता है और वो है ग्रास हॉपर, और ये भी स्नेल की तरह ही ग्रास खाता है और ग्रीन लीव्स खाता है। अब हम एक एनिमल देखेंगे जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी और वो है फ्रॉग। कौन सा एनिमल है ये? फ्रॉग। फ्रॉग भी हमें रेनी सीजन में ही देखने को मिलता है और ये ग्रीन कलर का होता है। किड्स, अब मैम आपको बताएंगी हमें रेनी सीजन में कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए ताकि हम हेल्दी रह सके और सुरक्षित रह सके। सबसे पहले आप ये पिक्चर देखिए और बताइए मैम को इसमें क्या हो रहा है। करेक्ट, बाहर ये ठेले पर एक खाना बेच रहा है। किड्स, हमें रेनी सीजन में बाहर की चीज़ें, स्ट्रीट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि रेनी सीजन में बहुत से इंसेक्ट्स इन फूड पर बैठते हैं और ये फिर हमारे फूड को गंदा कर देते हैं। इसीलिए हमें ये बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए। अगर हम स्ट्रीट फूड खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, इसीलिए हमें स्ट्रीट फूड अवॉइड करना चाहिए रेनी सीजन में। नेक्स्ट पिक्चर देखेंगे। ये देखिए, इसमें आप क्या देख रहे हैं? यस, इसमें एक जगह पानी भरा हुआ है, है ना? जब बारिश आती है तब जगह जगह पानी भर जाता है ना। अगर पानी एक ही जगह पर ठहर जाता है तो हमें उस जगह को क्लीन करना चाहिए क्योंकि अगर पानी बहुत दिन तक रहेगा तो उसमें बहुत सारे मच्छर आएंगे और मच्छर आने से हमें बीमारियां देंगे, जैसे आजकल आप सुनते हैं ना, मलेरिया, डेंगू, ये सभी बीमारियां मच्छरों के आने से होती हैं। इसीलिए मच्छर हमारे आसपास ना आए, हमें ये पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और बिल्कुल अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये देखिए, ये हैंड वॉश करने की पिक्चर है। जैसा कि आजकल आपको पता है कोविड चल रहा है तो हमें टाइम टू टाइम हैंड वॉश करने चाहिए, लेकिन कोविड के साथ साथ आजकल रेनी सीजन भी चल रहा है, इसीलिए हमें टाइम टू टाइम अपने हैंड्स को सैनिटाइज करना चाहिए या फिर सोप से अच्छे से क्लीन करना चाहिए। तो किड्स, आप सब ने देखा हमें रेनी सीजन में
क्या क्या करना चाहिए? हमें स्ट्रीट फूड नहीं खाना चाहिए, अपने आसपास पानी नहीं इकट्ठा होना देना चाहिए, और ओडोमॉस, कोई स्प्रे हो गया, कोई कॉइल हो गई, ये सब चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। टाइम टू टाइम हमें हैंड वॉश करने चाहिए, और हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, और फ्रेश फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। ये देखिए किड्स, हमारे बुक में रेनी सीजन की एक वर्कशीट है। इसमें हम सब क्या देख रहे हैं? करेक्ट, इसमें एक अम्ब्रेला है और क्लाउड्स हैं और रेन ड्रॉप्स हैं, बारिश हो रही है। तो किड्स, हम इस अम्ब्रेला को और इन क्लाउड्स को कलर करेंगे, और हम सब कलर करने के लिए क्रियॉन्स कलर लेंगे, और हम सब क्लाउड्स में ब्लू, ग्रे या वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और रेन ड्रॉप हम ब्लू कलर से करेंगे। और अम्ब्रेला तो सभी कलर के होते हैं, वाइट, ग्रे, ब्लू, पिंक, येलो, जो भी आपका फेवरेट कलर है वो अम्ब्रेला में कर लीजिएगा। और इस एक्टिविटी को करने के बाद इसकी फोटो ग्रुप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम न्यू एक्टिविटी के साथ मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।